और खुदा का वास्ता है, ये अपने ऊपर से लेबल हटा लो यार प्रोफेशनल फोटोग्राफी का। यू आर नॉट अ प्रोफेशनल एंटिल यू डू इट फुल टाइम एंड यू गिव इट योर फुल टाइम। दिस मीन द ड्रोन शॉट, उमर सुभानी कार, फूल फूल जैसा बच्चा क्रिकेट खेला, वेरी नाइस, क्या कहने ये बनाएंगे वीडियो आउट ऑफ फोकस चीज ये होता है लो खूबसूरत टेस्टी फूल, वेरी नाइस वेरी गुड। हवा के दोष पड़ता हुआ एक कौवा दीवार के पीछे चला गया और दीवार के पीछे से निकला पलफ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। अभी जो कुछ क्लिप्स का सीक्वेंस आपने देखा है उसमें सबसे पहला शॉट था ड्रोन से लिया गया और ड्रोन कॉस्ट करता है 150,000 प्लस। उसके बाद जो कुछ शॉट्स थे जिसमें आपको फूल बूटे नज़र आए, जिसमें आपको एक बच्चा क्रिकेट खेलता हुआ नज़र आया या आपको एक कौवा दीवार के पीछे जाते हुए नज़र आया, वो जिस लेंस से शूट हुए हुए थे उस लेंस की प्राइस है 4,000 पाकिस्तानी रुपीस। उसके बाद अब जिस लेंस के थ्रू आप मुझे देख रहे हैं ये लेंस आपको मिल जाता है तकरीबन 40,000 रुपये। ये बातें सारी जो मैंने आपको बताई हैं उनको बताने का मकसद सिर्फ ये था कि कैमरा गियर की क्वालिटी और प्राइस मैटर ज़रूर करती है, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो चीज़ मैटर करती है वो ये होती है कि जो कैमरे के पीछे बंदा है वो कितना एक्सपीरियंस्ड है, वो कितना कंसिस्टेंट है, वो कितने शौक से ये वाला काम कर रहा है और उसको अपने कैमरे के बारे में कितना पता है। ये चीज़ें तो हो गई एक साइड पर, अब हम चलते हैं कि आज की वीडियो किस बारे में। तो जनाब आज की वीडियो में मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा दो ऐसे फोटोग्राफर से जिनके काम को मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता हूँ और वो इंतहाई हम्बल लोग हैं। मैं उनको उस्ताद कहता हूँ तो बुरा मान जाते हैं, मैं उनको भाई कहता हूँ तो मुझे अजीब लगता है। खैर आप इनसे मिलें और इसके बाद एंड में मैं आपको मिलाऊँगा शान भाई से। शान भाई कौन है ये तो आप खुद देख लें। इस टाइम मैं मौजूद हूँ अपने दो सीनियर फोटोग्राफर दोस्तों के साथ और सबसे पहले हम अतीक भाई से कुछ डिस्कशन करेंगे, उसके बाद हम अली निसार साहब से कुछ डिस्कशन करेंगे। यार लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, चार्ट पे ड्राइंग्स शुरू की थी, अब जब डॉट्स कनेक्ट करता हूँ तो पता लगता है कि वहाँ से शुरू हुआ था ये सब कुछ। और उसके बाद एक छोटा सा कैमरा लिया था सोनी का पॉइंट एंड शूट, तब भी नहीं पता था क्या कर रहा हूँ, सिर्फ तस्वीरें ले रहा था। फ़ोटोशॉप पे थोड़े से दो चार ट्वीक्स कर लेता था और समझता था कि यार मतलब बहुत कुछ कर लिया है। एनी हाउ उसके बाद कोई हिम्मत करके कैनन का एक कैमरा होता था 350D, वो लिया 35,000 रुपये इकट्ठे किए कहीं से इधर उधर से जोड़ ताड़ के, तब तो शायद कमाता भी नहीं था इतना, आई गेस 6-7,000 8,000 की नौकरी थी उस टाइम मेरे पास, एंड यू कैन इमेजिन मैंने कैसे वो पैसे कटे किए होंगे। खैर उससे काम करना शुरू किया, किट लेंस था। एक दोस्त हैं मेरी, उनकी शादी पे पिच किया था पहली दफ़ा, आई थॉट चलो लेट्स गिव इट अ ट्राई, लोग इससे पैसा बनाते हैं। पता नहीं था वेडिंग्स कैसे होती हैं, लेकिन आई डिड इट, एक उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया और एक बूस्ट मिला। खैर वो जो चीज़ें चार्ट पे बनाता था लैंडस्केप्स की, जो मैं पहाड़ दरिया पानी और दरख्त को कनेक्ट करता था एक सफ़ेद चार्ट पे कलर्स के साथ और पेंसिल्स के साथ, वो कनेक्ट होता गया। फिर उन चीज़ों को इस बड़े कैमरे के साथ देखना शुरू किया, ट्रैवल करना शुरू किया। अच्छा इनिशियली ट्रैवलिंग बहुत ही पैथेटिक किस्म की मेरी ट्रैवलिंग होती थी, जस्ट लाइक एनी नॉर्मल टूरिस्ट मैं जाता था और बस ऐसे ही तस्वीरें खींच के लिए आता था, ओवर सैचुरेटेड रंग भरे, ये किया वो किया, कोई पर्सपेक्टिव नहीं। फेसबुक पे लगाई, लोग भी वाह वाह करते थे, लोग कहते थे ओहो हो हो भाई भाई प्रोफेशनल फोटोग्राफर है, और भाई को वो इतना सुकून मिलता था वो सुन के, यार हैं प्रोफेशनल फोटोग्राफर, मतलब हम प्रोफेशनल फोटोग्राफर हैं, जो कि
आई एम रियली सॉरी टू से, आजकल हर बंदे के माइंड में यही है कि बच्चे ने एक 50,000 का कैमरा ले लिया है, 35,000-40,000 50,000 का कैमरा, तो वो फोटोग्राफर है, वो बस माँ की कोख से वो प्रोफेशनल फोटोग्राफर बन के निकल गया है। हालांकि किसी को प्रोफेशनल फोटोग्राफी की अलिफ बे का भी नहीं पता यार कि होती क्या है। प्रोफेशन इज समथिंग के जो मतलब जो आपका प्रोफेशन है, जो आपकी रोजी रोटी है, जिससे आप कमा रहे हो, जिसे आप खा रहे हो, जिसको आप अपना बोरिया बिस्तर समझ रहे हो, दैट इज़ योर प्रोफेशनल फोटोग्राफी या प्रोफेशनलिज्म, या वो आपका प्रोफेशन है। ये नहीं है कि आपने कैमरा ले लिया और हो गया। हाँ, मेहनत करें, काम करें, सोचें, देखें क्या हो सकता है, आपकी क्या नीश है, आप किस चीज़ में बेहतर हैं। तो दैट इज़ हाउ थिंग्स वेंट बाय। मैंने ट्रैवल किया, मज़ीद ट्रैवल किया, बड़ों से सीखा, सीनियर्स का काम देखा, इंटरनेशनल लोगों का काम देखा, अपने आप को एक्सप्लोर किया, पोटेंशियल देखा, कहाँ पे क्या चीज़ मैं अच्छे तरीके से कर सकता हूँ। मैं अभी भी सीख रहा हूँ, अभी भी स्टूडेंट हूँ, अभी भी मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ। आई एम नॉट अ प्रोफेशनल फोटोग्राफर, आई एम नोबडी, आई एम लर्निंग एंड आई एम एक्सप्लोरिंग एंड आई एम ट्राइंग टू रीवैल्यूएट कि मैं कहाँ कैसे फिट होता हूँ, क्या कर रहा हूँ। ऑल्दो अल्हम्दुलिल्लाह अब बहुत हद तक मुझे डायरेक्शन नज़र आनी शुरू हो गई है कि मुझे क्या करना है और मैं कैसे कर सकता हूँ काम, और वो मैं कर रहा हूँ एंड होपफुली मैं करता रहूँगा। अब अल्हम्दुलिल्लाह वो 350D से जो सफ़र शुरू किया था वो बीच में 60D पे आया, 60D से 70D पे आया, नहीं सॉरी 350D से 600D पे आया, 600D से 60D पे आया, फिर 70D पे आया। अब आई एम वर्किंग विद 6D सिंस लाइक 3 years आई गेस नाउ। और फिर मैंने अच्छे थोड़े लेंसेज में इन्वेस्ट किया, अच्छे लेंसेज लिए, उनके साथ काम करना शुरू किया, फ़िल्टर्स को देख के किया, फ़िल्टर्स देखे कि यार फ़िल्टर्स कैसे चलते हैं, लेंसेज के साथ आप कैसे अच्छा काम कर सकते हैं, क्या देख सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें जो हैं, इतना देखने के बाद तब आके बंदे को एवेल्यूएट होता है कि यार आप क्या चीज़ें, आप कहाँ से निकले थे, क्या काम शुरू किया था और कहाँ आके रुके हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई, वर्कआउट, सॉर्ट योर सेल्फ आउट और ख़ुदा का वास्ता है ये अपने ऊपर से लेबल हटा लो यार प्रोफेशनल फोटोग्राफी का। यू आर नॉट अ प्रोफेशनल एंटिल यू डू इट फुल टाइम एंड यू गिव इट योर फुल टाइम। गेयर मैटर करता है भाई, नोबडी कैन डिनाई दिस फैक्ट हु हैज़ गॉन थ्रू ऑल ऑफ दिस कि गेयर मैटर नहीं करता। गेयर ऑलवेज मैटर्स, बट या द मैन बिहाइंड द गेयर होता वही है सब कुछ। लेकिन वो वही बात है कि आप एक सड़क बनाने निकले हैं, अब अगर आपने उस बंदे को इक्विप ही नहीं किया, उसको आपने पत्थर तोड़ने के लिए मतलब छड़ी दे दी है कि यार तुम इससे तोड़ो, वो नहीं तोड़ सकेगा, उसको एक हथौड़ा चाहिए। तो जब तक उसके हाथ में हथौड़ा नहीं होगा वो पत्थर नहीं तोड़ सकता और वो रोड को नहीं बना सकता, पेव नहीं कर सकता सही तरीके से। तो गेयर मैटर्स, पहले बंदा मैटर्स एंड देन गियर मैटर्स। अच्छा गियर ऐसे ही नहीं बन जाता यार, लाइक देयर इज अ रीजन रेड ड्रैगन एग्जिस्ट्स, देयर इज अ रीजन, बिल्कुल सही कह रहे हो, देयर इज अ रीजन लाइका एग्जिस्ट्स। और ये जो इंस्टा पे रियली सॉरी टू से, बहुत से लोग हर्ट होंगे इस चीज से, ये जो इंस्टा पे हर बंदे ने अपने हैंडल में फोटोग्राफी लिखा हुआ है ना यार, खुदा का वास्ता है यार हटा लो। If you're not doing it as the ones with the real deal are doing it, just for the sake of कि आपने कैमरा रखा हुआ है अपनी जेब में और आपने इंस्टा हैंडल में भी फोटोग्राफी ठोका हुआ है और आपने हर चीज़ में फोटोग्राफी लगाया हुआ है, that won't make any sense. पहले कुछ यार सोच समझ लो, देख लो अपना रास्ता, देख लो फिर देखना है यार क्या मतलब कि हम क्या हैं, हम कौन हैं, क्या करेंगे। That is how things should go. Anyhow, बहुत बात लंबी हो गई, अल्लाह हाफिज़। अच्छा अली भाई, आप चलते चलते ही बता दें वरना अफ्तारी के लिए हम सब लोग हो जाएंगे लेट। सही है। वेल, मेरे ख्याल में फोटोग्राफी मेरे फादर को काफ़ी शौक़ था और उसी नज़र से ही मैंने देखनी शुरू की ज़िंदगी में भी, कहीं कैमरा नज़र आता मैं काफ़ी एक्साइटेड हो जाता। तो मुझे एट वन स्टेज ऑफ माई लाइफ ये पता चला कि मेरे से कुछ ऐसे काम है ज़िंदगी में जो मैं कर सकता हूँ और मैं थकूँगा नहीं, उनमें फ़ोटोग्राफी भी एक थी।
और इवेंचुअली आई हैड टू परचेज अ कैमरा टू स्टार्ट ऑफ विद, और वो था कैनन का 70D. आई जस्ट स्टार्टेड टू लर्न बैक इन 2015 सीरियसली, और उसके बाद अभी मेरे पास 6D है और कैनन का, और काफ़ी एक्सटेंसिव किस्म का गेयर भी रखा हुआ है. बट इट इज़ ऑल माई पैशन, और मैं फोटोग्राफी इसलिए करता हूँ कि जो भी काम कर रहा हूँ मैं ज़िंदगी में, उसको मैं थोड़ी देर के लिए तोड़ दूँ और जुड़ जाऊँ इस काम से. और जब मैं दोबारा उस काम में जाता हूँ जो कि मेरा प्रोफेशन है, तो इट्स जस्ट लाइट राइट क्लिक एंड प्रेस रिफ्रेश और F5 ऑन योर कीबोर्ड. सो मैं फिर उसको ज़्यादा फोकस और कॉन्सनट्रेशन से कर सकता हूँ. सो मेरा मशवरा लोगों को यही होगा कि अगर आप यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग, कीप ऑन डूइंग इट, कीप योर प्रोफेशन एट वन साइड बट कीप ऑन डूइंग समथिंग विद इट. और दैट इज़ ऑल्सो ट्रू कि अगर आपका पैशन ही आपका प्रोफेशन है तो दैट्स एन एक्स्ट्रा एज. व्हाट एल्स यार, फिलहाल तो मेरे ख्याल आप अफ्तारी के लिए भागें. अच्छा, क्योंकि मेरे ख्याल से 7:06 रह गए. वालेकुम सलाम यार. शान भाई, सबसे पहले तो जो है ना, आप मुझे माइक दे दो. कौन सा? रोड वीडियो माइक गो, क्योंकि इसकी बड़ी शिटी किस्म की ऑडियो आ रही. थैंक यू यार. कॉल भी दें यार, इसकी क्वालिटी कमाल है. अच्छा, ऑलमोस्ट अनमैचेबल क्वालिटी. ओके, बेहतरीन हो गया यार. यार इसकी वो केबल भी लगा दें. अच्छा तो जनाब, ऑडियो में आपको नोटिसेबल डिफरेंस नज़र आ रहा होगा. ये मेरे साथ मौजूद हैं शान भाई. हेलो. और अभी शान भाई का जो है वो थोड़ा सा रिमांड इंटरव्यू लेते हैं. शान भाई, आप जो है वो सबसे पहले अपने बारे में और शॉप के बारे में बता दें. अस्सलाम वालेकुम, आई एम शान अहमद और मैं इस शॉप को पिछले 6 साल से रन कर रहा हूँ. पहले हम F11 में काम करते थे, तब हम ऑनलाइन बिजनेस करते थे, अभी हमने शॉप बना ली है. होपफुली जो है ना, आप लोगों को हमारे पेज के बारे में ऑलरेडी भी पता होगा, इस्लामाबाद टेक के नाम से पेज है और ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा उस पर फॉलोअर्स हैं, काफ़ी रिव्यूज़ हैं. प्लीज़ उसको चेक करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप उसको ज़रूर चेक कर लीजिएगा. और हमें आजकल जैसे भी देख रहे हैं कि न्यू जनरेशन जो है वी लॉग की तरफ, वीडियो रिकॉर्डिंग की तरफ, एड्स की तरफ बेतहाशा चल रही है. यूट्यूब टिकटॉक की वजह से बहुत ज़्यादा इसकी तरफ लोगों का ट्रेंड है. तो हमारे पास ईच एंड एवरीथिंग होती है, कैमरा रिलेटेड, DSLR रिलेटेड और ऑल जेन्युइन एक्सेसरीज होती हैं. तो आपको कुछ भी चाहिए हो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं. हमजा भाई हमारे रेगुलर क्लाइंट हैं, ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब को बना के लोगों को ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लोगों को सपोर्ट कर चुके हैं. तो कोई हेल्प चाहिए हो तो आप हमजा भाई से एनी टाइम हेल्प ले सकते हैं. हमजा भाई इज़ वेरी गुड विद इट. और बस शान भाई, हम दोनों ने मिलकर काफ़ी मंजन पेश किया. तो जनाब, ये थी आज की वीडियो. आपको कैसी लगी कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें. अगर आपको इस वीडियो में किसी चीज़ की कमी लगी तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें. अगर आपको ये वीडियो हद से ज़्यादा पसंद आई तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें. अगर आप मुझे कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें. अगर आप मुझसे मोहब्बत करते हैं या नफरत करते हैं तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें. मेरी कैसेट यहीं पर फंसी रहेगी तो आपके लिए बेहतर यह है कि कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें. अगली वीडियो तक के लिए मुझे दे इजाज़त और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें. अल्लाह हाफिज़. फ़ी अमानिल्लाह.